सुबह सुबह कभी किसी दिन आप दूध वगैरह लाने, अपने घर के कुछ सामान लाने मार्केट की तरफ निकलते हैं क्या? किसी एक मैं ऑलमोस्ट हमेशा ये बोलता हूँ, सुबह सुबह उठना काफ़ी ज़्यादा कठिन होता है। इनफैक्ट रोज़ सुबह मैं उठ के जब प्रैक्टिस के लिए आता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है नहीं यार आज स्किप कर देते हैं, लेकिन जैसे तैसे उठ के आ जाता हूँ और फिर यहाँ पे आने के बाद जब एक्सरसाइजेस प्रैक्टिस एंड एवरीथिंग फिटनेस वगैरह स्टार्ट होता है तो ऑटोमेटिकली अंदर एनर्जी आ जाती है और सब कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लग जाता है। एनीवे नमस्कार, अपना नाम जय श्याम, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। प्रैक्टिस आज की हो गई समाप्त, फिलहाल निकल रहे हैं घर की तरफ, इसके बाद ऑफिस आ जाएगा एंड मोस्ट प्रोबेबली कल यहीं से इस ब्लॉग की शुरुआत करूंगा क्योंकि कल एक मैच भी है यहीं पर। जैसा कि मैंने कहा था, ये है अगली सुबह और बज रहे हैं सुबह के 8 और करते हैं इसी वक्त से इस दिन की शुरुआत और एक्चुअली इस ब्लॉग की भी जो कि कल थोड़ी बहुत हुई थी। और आज जिस ग्राउंड पे जा रहे हैं वो 2.5-3 किलोमीटर की दूरी पर ही है मेरे घर से। ये अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पहाड़ों के ऊपर हल्का फुल्का बने हुए सब घर हैं। पहुंच गए, थोड़े वक्त में होगा शुरू मैच और ये काइंड ऑफ ड्रेसिंग रूम है। आते ही 2-3 राउंड ग्राउंड का लगाने पे थोड़ा वार्म अप काइंड ऑफ हो जाता है। इस ग्राउंड को एक्चुअली में आप देखेंगे तो पहाड़ों के बीच में मंदिर के नीचे ये पहाड़ों से घिरा हुआ एक स्थान है जो कि बेहद ही खूबसूरत है। सुबह सुबह यहाँ पे आके फिटनेस एक्सरसाइज वगैरह करने की, क्रिकेट प्रैक्टिस करने की एक मज़ा ही कुछ अलग होता है जो कि पूरे दिन को समाउ स्ट्रेस फ्री बना दे। इस पे ने दरअसल ये वाले विकेट पर होने वाला है मैच जो कि फ़िलहाल तैयार है। किसी दिन प्रैक्टिस वगैरह के लिए भी अगर मैं यहाँ पे आता हूँ तो तुरंत घर पे नहीं निकलता, खत्म होने के बाद एक्सरसाइज एंड ऑल के बाद 5-10 मिनट ग्राउंड पे बीच में यहाँ पे बैठ जाता हूँ। ये सूर्य का प्रकाश आता है, ठंडी का मौसम भी है थोड़ा सा, बहुत ही ज़्यादा सुखद अनुभव की प्राप्ति होती है डैट पर्टिकुलर टाइम। और बाय द वे ये हिंदी सुखद अनुभव की प्राप्ति फलाना ढिमकाना हेन तेन लालटेन अचानक भयानक से, ये सारे वर्ड्स आपको मेरे ब्लॉग्स में काफ़ी सुनने के लिए मिलते हैं ना। डेली सुबह सुबह ये सब खाना पड़ता है मुझे सुबह की चाय के साथ। आइए आपसे थोड़ी बातें करते हैं और फिलहाल सूर्योदय भी हो रहे हैं। ये है अगले सुबह की वक्त, आज ना क्रिकेट प्रैक्टिस के लिए गया ना कुछ के लिए गया, हालांकि सुबह के 5:30 बजे से उठ के जरूर बैठा हूँ। कल का दिन बहुत अच्छा नहीं रहा, मैच के बारे में ऑब्वियसली मैंने आपको अपडेट नहीं दिया क्योंकि उतना परफॉर्मेंस अच्छा भी नहीं रहा, मैच भी हम हारे और एट द सेम टाइम मेरे दूसरे कुछ काम आ गए थे जिनमें बहुत ज़्यादा बिजी हो गया था ऑफिस वगैरह रिलेटेड एंड ऑल। और उसके बाद शाम को एक जगह पर चला गया, फिर वहाँ से आते आते रात को काफ़ी देर हो गई थी, तो ऐसे में रात को मैं सिर्फ 3 घंटे 3.5 घंटे सोया हूँ और उसके बाद सुबह सुबह नींद खुल गई 5:30 बजे। आई वॉज लाइक मुझे 9 बजे तक आज सोना था, आज मेरे पास समय था लेकिन नहीं सो पाया। अभी मैं सोच रहा था कि ये वीडियो कंटिन्यू करूँ कि नहीं करूँ, जो किया हुआ रिकॉर्ड ऑलरेडी 1.5-2 मिनट का उसे डिलीट कर दूँ क्या। और कई बार ऐसा होता है कि ब्लॉग में कुछ रिकॉर्ड करता हूँ और थोड़ी देर रिकॉर्ड करके फिर डिलीट कर देता हूँ वो सारे क्लिप्स, उनको कंटिन्यू नहीं कर पाता क्योंकि वो मेंटली आपको बहुत ज़्यादा एक्टिव रहना पड़ता है एक ब्लॉग के लिए, क्योंकि एक ब्लॉग एक कहानी होती है और उसका एक के बाद लेयर बना के उस कहानी को बिल्डअप करना होता है और जो कि हर वक्त संभव नहीं हो पाता। और ऑब्वियसली थोड़ा बहुत अगर माइंड आपका इधर उधर रहे तब तो बिल्कुल भी नहीं। खैर फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं, एक काम करते हैं ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा सा अपने आप को पुश किया। और कई बार हमें अपने कंफर्ट जोन से आके बाहर काम करना पड़ता है तभी वो चीज़ पॉसिबल हो पाती है, अदरवाइज हम ऐसे देखते रह जाएंगे या फिर संकोच के बैठ जाएंगे या फिर कुछ सोचने लग जाएंगे और वो चीज़ नहीं हो पाता है। अभी मुझे लगता है कि सुबह सुबह मुझे काम करने की आदत सी पड़ गई है, मैं सुबह उठा और आज प्रैक्टिस के लिए गया नहीं, एक्सरसाइज के लिए गया नहीं, देन आई वाज लाइक ये जो मेरा वक्त है ये काइंड ऑफ वेस्ट हो रहा है, कुछ ना कुछ मुझे करना होगा। देन आई थॉट कि चलो आपसे थोड़ी बातें कर लेते हैं, थोड़ा सा ब्लॉग रिकॉर्ड कर लेते हैं, पर वो भी करके हो गया, तो उसी बीच रील्स 2-4 भी मैंने रिकॉर्ड कर लिया, तो अब जाके थोड़ा समय हो गया है ऑफिस वगैरह निकलने का। सुबह सुबह कभी किसी दिन आप दूध वगैरह लाने, अपने घर के कुछ सामान लाने मार्केट की तरफ निकलते हैं क्या? किसी एक दिन निकला कीजिए वंस इन अ वाइल हफ्ते में, काफ़ी अच्छा लगेगा। अरे 2-4 महीनों में अगर आप मुझे देखेंगे तो मेरे लुक्स में थोड़ा ना थोड़ा चेंज आपको बिल्कुल नज़र आएगा और उसका रीज़न ये है कि मुझे अच्छा लगता है एक वक्त के बाद अपने लुक को हल्का फुल्का बदलते रहना, उससे एक पॉजिटिव काइंड ऑफ एनर्जी मुझे मिलती है खुद को देख के। कोई एक सेलिब्रिटी तो मैं हूँ नहीं जो मेरा एक सिग्नेचर हेयर स्टाइल या सिग्नेचर बियर्ड है वैसा ही मुझे रखना है, मैं कैसे भी रख सकता हूँ। और जब मैं कॉलेज में था उस वक्त बहुत ज़्यादा मैं चेंज किया करता था, हर 2-4 महीने पे कभी क्लीन पूरा तो कभी इतने बियर्ड, कभी शॉर्ट बियर्ड, हेयर स्टाइल पूरे डिफरेंट, मतलब लुक मेरा कम्प्लीटली डिफरेंट होता था। 6-8 महीने बाद मुझे कोई दिखता था तो पहचानने में उसे दिक्कत हो जाती थी, लेकिन अब वैसा कुछ नहीं है, अब हल्का फुल्का बस चेंज नज़र आएगा आपको क्योंकि ऑफिस वगैरह साथ। उस लहज से अगर देखा जाए तो आपको नीट एंड क्लीन प्रॉपर ग्रूम अवस्था में होना पड़ता है, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा लुक्स बदल पाना
मुमकिन नहीं हो पाता। आज के दिन में भी मेरे 4-5 काम पड़े हुए हैं जो कि शेड्यूल हैं, उन्हें खत्म करना है कैसे भी। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ चीज़ों को लेकर आप बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, फिर आपका कुछ करने का मन नहीं करता, आप चुपचाप बैठ जाते हैं, सॉन्ग सुनते हैं या फिर जो भी आपका कुछ करने का मन करे, जो आपको आलसपन की ओर बढ़ाए और उस दुख को और बढ़ाए वो करने का दिल करता है और संभव अच्छी फीलिंग भी आती है। तो ये चीज़ भी करना चाहिए, लेकिन एक पर्टिकुलर वक्त के लिए, कुछ मिनट्स के लिए या फिर 1-2 घंटे ले लो आप अपने आप के लिए, लेकिन उसके बाद उस पर्टिकुलर चीज़ को जो नहीं पॉसिबल हो पाया उसे पॉसिबल करना आपका काम होता है। और जब उस वक्त आप अपने आप को थोड़ा सा पुश करके एफर्ट डालोगे उस पर्टिकुलर चीज़ के प्रति, तो आप अपना 101% उस पर्टिकुलर चीज़ को दे पाओगे। तो उस पर्टिकुलर टाइम पे हमें काम करना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है रेदर देन चुपचाप बैठे रहना। आई नो इस ब्लॉग में कुछ भी ढंग का रिकॉर्ड नहीं हुआ है, लेकिन प्रोबेबली नेक्स्ट ब्लॉग में ढंग का बनाने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन उसके लिए इस ब्लॉग को यहीं पर मुझे समाप्त करना पड़ेगा, क्योंकि इसको थोड़ा ढंग का बनाने के लिए अगर मैंने और खींचा तो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा और प्रोबेबली यहाँ तक आप वीडियो देखेंगे और लास्ट में अच्छी वाली चीज़ आएंगी, तो उससे बेटर कि उसके लिए एक नया ब्लॉग रिकॉर्ड कर लिया जाए। एनीवे, इसी नोट पे शॉर्ट एंड सिंपल इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। वंस अगेन नमस्कार, नाम जय श्याम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इफ यू गाइज लाइक दिस वीडियो फॉर व्हाट सो एवर रीजन, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। और क्या, बाकी सब बढ़िया है। जय माता दी।